मेरा नाम दीपमाला है, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश से। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि तो अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो मेरे पापा गांव में जाके दालमोट और बिस्किट बेचते थे साइकिल से, और मेरी माँ झाड़ू पोछा करके आती थी। तो मजदूरी पर मजदूर परिवार से हम हैं संबंधित। अभी वर्तमान में पापा सरकारी जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मेरे पापा 12 पढ़े हैं, मम्मी हमारी 8वीं पास है, और बाकी कोई भी ग्रेजुएशन लेवल तक का भी कोई भी स्टूडेंट नहीं था। मेरी पढ़ाई शुरुआत में किसी तरीके से पापा ने मैनेज करके क्लास 5 तक कराया था, और उसके बाद एक ऐसे ही विद्याभूषण रावत जी का एक पूरा ग्रुप आया था हमारे गाजीपुर मोहम्मदाबाद में, और इसी तरीके से मुलाकातों में उन्होंने हमारे परिवार को देखा, और हम सभी जो स्वच्छकार समाज की लड़कियां थी छोटी छोटी उस समय में, उन सभी से पूछा कि क्या आप आगे पढ़ना चाहती हो। तो एक बचपने का एक था सपना था कि कम से कम हम भी और लड़कियों की तरह आगे तक पढ़ें, कॉलेज में जाएं। तो वहां से हमारी सहायता उन्होंने किया और तभी से मैं आगे की पढ़ाई भी सफल कर पाई। अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पिछले ही साल MA क्रॉस किया है और वर्तमान में BTC की छात्रा हूँ। सामाजिक काम का मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था कि मुझे सामाजिक कार्यकर्ता ही बनना है, लेकिन अपने समाज और परिवार की जो दिक्कतें थी उसको देखते देखते और एक ऐसे लोगों के संपर्क में रही जिनका पूरा जीवन ही एक तरीके से समाज को जाता है, तो एक कह सकते हैं कि उनका प्रभाव पड़ा भी कि हमारा जीवन भी थोड़ा उस दिशा में गया जहाँ पे हमें कभी कल्पना नहीं था कि हम कभी सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे। क्योंकि सभी का एक कॉमन होता है, बेसिक होता है कि हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा कोई छोटा मोटा जॉब कर लेंगे और फिर अपना जीवन अच्छे से गुजारेंगे, लेकिन इस क्षेत्र से प्रेरणा हमको विद्याभूषण रावत जी के कार्यों से और उनके साथ जो आते थे उनके दोस्त उनके सहकर्मी, तो उन लोगों का एक जज्बा देख के जुनून देख के हमको भी लगा कि क्यों ना मैं भी अपने समाज के अंदर कुछ कर सकूं और उस तरीके का एक बदलाव का आंदोलन जो है उसको खड़ा कर सकूं। जहां तक स्वच्छकार समाज की जो बात है, सबसे बड़ा उनके साथ तो जातिगत भेद होता है, और हमारी महिलाएं जब मैला ढोने का काम करती हैं किसी भी कंडीशन में, तो उनके साथ गांव स्तर से लेके और हर एक जो समाज की बनाई हुई एक एक कैटेगरी है, हर स्तर पे उनको सबसे निचला दर्जा माना जाता है। उनका छुआ पानी नहीं पिया जाता, वो अगर रास्ते से गुजरते हैं तो उनके रास्ते से अन्य जाति के लोग नहीं गुजरना पसंद करते हैं, और अगर वो कभी कुछ समाज में जैसे कुछ दबंग महिलाएं या लड़कियां अगर कुछ बोलने का साहस भी लाती हैं तो उनको ये खटकने लगता है कि इस छोटे से जात की होके मैला ढोने वाली की बेटी होके ये किस तरीके से ऊंची आवाज में बात कर रही है। तो काफी जो दिक्कतें हैं वो हमारे समाज के अंदर जो दबंग समाज है और जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं उसी से उत्पन्न हमारी भी समस्याएं हैं, जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पूरा समाज मनुवादी व्यवस्था में, और खासकर मैं कहना चाहूंगी कि जो पितृसत्तात्मक हमारी समाज की स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें हम कहीं ना कहीं महिलाओं की जिंदगी और खासकर स्वच्छकार महिलाओं की जो दोहरी संघर्ष के रूप में कर रही हैं, एक ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती और ये समस्या है। बिल्कुल, मैं जब छात्रा थी तो स्कूल में काफी हर कम्युनिटी के बच्चे साथ में थे, सहेलियां थी, दोस्त थे, तो हम लोग एक दूसरे के घर जब ईद या होली कुछ होता है तो इनविटेशन आता था तो जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि लोग अपने घर के बर्तनों में हम लोग को पानी नहीं पीने देते थे, वो डिस्पोजर ला के रख देते थे। तो ऐसे ही एक घटना हुई थी, हमारी दोस्त हैं, क्लासमेट थी मेरी, तो उन्होंने बुलाया था, तो वो तो वैसी नहीं थी लेकिन उसके जो परिवार के लोग थे वो काफी जातिगत भेदभाव से ग्रसित थे। उन्होंने जब जाना कि ये मैला ढोने वाली स्वच्छकार समाज के घर की लड़की है, तो उनको कहीं ना कहीं मतलब ये लगा कि कहीं मेरा ग्लास न छू जाए,
तो बाद में अपनी घर की जो मेरी फ्रेंड थी उसको डांटा उन्होंने कि ऐसे किसी को भी तुम घर पे मत उठा के लाओ, और अगर ला भी रही हो तो खाना पानी के लिए मत पूछो। तो वो बाद में मेरे को शेयर की क्योंकि मेरी अच्छी दोस्त थी, तो मुझे थोड़ा सा एक झटका लगा कि आखिर ये क्यों होता है। फिर दूसरी, अगर मैं अपने परिवार के अंदर की बात करूं तो मेरी माँ जब झाड़ू पोछा करती हैं तो उस जो लोकल का मार्केट होता है, वो समाज होता है, वो सब हमको जानता है, फेस टू फेस पहचानता है कि ये फलाने के घर की लड़की है। तो उस तरीके से भी उसको आधार बना के लोग आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू करते हैं, ये मैंने देखा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रा होने के नाते जहाँ तक मैं अभी अपने समाज को समझ पाई हूँ, उस समाज में अभी समझिए कि महिलाएं और लड़कियों की जिंदगी बहुत घुटन भरी है। और अगर मैं इसको सिर्फ महिलावादी पक्ष से ही नहीं बल्कि अगर बराबरी के साथ देखूं तो पुरुषों का भी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं नगर पालिका में काम करने से, सीवर टैंक में उनकी मृत्यु होने से, उसको सफाई करने की वजह से समाज में उनको भी निचले दर्जे के रूप में देखा जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को एक जो एक बड़ा समाज है उससे कहीं ना कहीं कटा हुआ माना जाता है। तो मेरा एक ये उद्देश्य है और मेरी इच्छा भी है कि जैसे भी मैं कर सकूं, कम से कम अगर अपनी समाज की लड़कियों में इतनी हिम्मत पैदा करूं, उन महिलाओं में इतनी हिम्मत पैदा करूं जो अपने घर के अंदर से हो रहे अत्याचार को से लेकर जो अन्य समाज के लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके स्वाभिमान को खत्म कर रहे हैं, उसको वो छीन सके और उसको वो बदल के अपनी स्वयं की इज्जत और एक जो स्वाभिमान होता है, अपनी गरिमा होती है, उसको कम से कम उसकी कीमत उन्हें समझा सकूं और उनको एक आंदोलन के लिए तैयार कर सकूं।